आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी तक हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या देखा था जी, एक बार जल्दी से देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में इस चैप्टर में हमारा जो रिडम्पशन है वो तीन तरह से हो सकता है, लमसम, इंस्टॉलमेंट और बाय कन्वर्जन। और इनके अंदर हमारी कुछ बात चली थी बेटे रिडम्पशन इन लमसम की। तीनों केस में हमें ये था कि भाई सोर जो है डीआरआर वाला वो भी देखना होता है। मैंने आपको इनकी कुछ एंट्रियां लिखाई थी, याद करो वो एंट्रीज कौन कौन सी थी। सबसे पहले रिडम्पशन ड्यू, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर सोर्स की एंट्री और फिर इन्वेस्टमेंट की सेल की एंट्री। सोर्स में अगर हमारा डीआरआर पहले से तैयार नहीं है, कम है ना, और फिर है बेटे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के सेल की एंट्री। इस पर जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, डीआरआर में नहीं जाएगा। हाँ जी, रिडम्पशन होगा तो पेमेंट होगा, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, और लास्ट में डीआरआर हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था, हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था बेटा, और वो था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन, ठीक है जी। आइए आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है हमारा रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। और एक बार फटाफट से रिकॉल करेंगे, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट दो तरह से हो सकता है। नंबर वन, पहले तो रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट का मतलब रिकॉल करेंगे, मतलब ये कि कुछ सेलेक्टेड डिबेंचर होल्डर्स को उनका सारा पेमेंट कर देना, क्या रहता है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। और ये जो रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट है इसमें जो सिलेक्शन होता है उन डिबेंचर होल्डर्स का, वो इनमें से किसी भी एक तरीके से हो सकता है। नंबर वन, बाय रोल आउट, नंबर टू बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। तो पहले मैं बात करूंगा बेटे रोल आउट की, ठीक है, और हम लोग बात करेंगे इसमें सीधा सीधा एग्जाम के क्वेश्चंस के जरिए, ठीक है। चलिए तो एक बार इनको एंट्री को पढ़ ही लेते हैं, है ना। रोल आउट में क्या होगा, सेम वही जो फुल रिडम्पशन वाली एंट्री थी वही होंगी, रिडम्पशन ड्यू, सोर्स, इन्वेस्टमेंट की सेल करने की एंट्री, डिबेंचर के होल्डर के पेमेंट की, फिर डीआरआर से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। बस यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो सारे के सारे डिबेंचर्स की नहीं होगी, यहाँ पे होगी कुछ जो भी उन्होंने डिसाइड किए कि कितने परसेंट डिबेंचर्स हर साल रिडीम होने हैं उनकी होगी। जब बात करेंगे ओपन मार्केट परचेज की, इमीडिएट कैंसिलेशन और फ्यूचर डेट कैंसिलेशन, जहां पे हम बात करते हैं ऑन डिबेंचर्स। इमीडिएट कैंसिलेशन मतलब डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा सीधा कोई ड्यू नहीं होगा जी, सीधा पेमेंट होगा। और पेमेंट पर यहाँ पर क्या होगा बेटे, प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि ओपन मार्केट में क्या होगा, बोली लगवाई जाती है कि कौन सबसे कम में अपना पैसा वापस लेना चाहेगा। हाँ जी, ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट के बारे में इंस्टीट्यूट ने पूरी तरह कोई भी बात क्लियर नहीं की है। क्या कहा जी मैंने, इस प्रॉफिट के बारे में कोई भी बात इंस्टीट्यूट ने क्लियर नहीं की है। ये प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा या प्रॉफिट लॉस में जाएगा, पुराने वाले स्टेटमेंट में बात क्लियर थी, अभी भी हम वही मान के चलेंगे। सी इंटर लेवल तक, आईपीसीसी का इंटर बन गया बस, तो अभी भी हम वही चीज लेके चलेंगे इंटर लेवल तक कि ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अगली एंट्री मैंने लिखा रखी है आपको, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन ध्यान रखना ये काम तभी करना जब इंस्टीट्यूट पूछे कि भाई ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा क्या या रिवेन्यू रिजर्व में, मतलब प्रॉफिट लॉस में जाएगा या कैपिटल रिजर्व में जाएगा, सिर्फ तब ये काम करना। अदरवाइज आप भी इंस्टीट्यूट की तरह जैसे उन्होंने अपने इलस्ट्रेशन में लिख के छोड़ रखा है टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या रिडम्पशन, बस इतना लिख के छोड़ दो। जब बात ऑन डिबेंचर की होगी तो पहले तो डिबेंचर्स को खरीदा जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर या ऑन डिबेंचर जैसे भी आप लिखना चाहें टू बैंक, बाद में रिडम्पशन की डेट पर ये डिबेंचर्स कैंसिल हो जाएंगे, डिबेंचर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर या इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इस वाले में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट।
हाँ जी, हेडिंग डाली पहले रिडम्पशन, इन इंस्टॉलमेंट, अब रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको पता है ड्रॉलॉट और ओपन मार्केट परचेज दोनों है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल नंबर वन, ये इंस्टॉलमेंट वाला रिडम्पशन जो है इसके अंदर का एग्जांपल नंबर वन है। देखिए ये एग्जाम का नवंबर 2000 का, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एग्जाम के क्वेश्चंस को, पास के क्वेश्चंस को एग्जांपल के रूप में कवर कर लेंगे। हाँ जी, लिखिए फटाफट से, अजय लिमिटेड परचेज्ड इट्स ओन 11% डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए, फ्रॉम द ओपन मार्केट ₹4.50 लाख, 50 लाख में इन्होंने खरीद लिया। अब ये 50 लाख में हमने उसको इंटरेस्ट भी दिया क्या? हाँ जी, कम इंटरेस्ट दे रखा था, पर हमेशा हम एक्स इंटरेस्ट मानते हैं। ठीक है जी,